फिरोजपुर सेंट्रल जेल के बाहर खड़े ललित पासी पर बाइक सवार तीन आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। एक गोली पासी के पेट और दूसरी गोली बाएं पांव में लगी है। जख्मी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित और आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश बताई जा रही है। थाना सिटी पुलिस ने पीड़ित के बयान पर तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। SP रणधीर कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित ललित पासी पर हत्या समेत 8 मामले दर्ज हैं। 2023 में ललित जेल से बाहर आया था। आरोपियों संग इसकी पुरानी रंजिश है। अब सुनिए SP फिरोजपुर ने क्या कुछ कहा। पूरा मामला और कैसे कहां फायरिंग हुई है? फिरोजपुर शहर विच जड़ा फायरिंग हुई थी। एक जड़ा बंदा है ललित कुमार, वो जड़ा है इंजर्ड है। ये बंदे से पहले भी 8 पर्चे थी, 302 दे, 307 दे, 399 दे। ये जड़ा है 7 महीने 2023 की जेल से बाहर आया है। इसकी जड़ा है गोली चली है, उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेस्ट किया गया। हम इसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पर्चा दर्ज करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, गोली चली कहाँ है? गोली फिरोजपुर शहर में। दूसरी तरफ पीड़ित ललित ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वो अपने साथी करण व लव के साथ सेंट्रल जेल फिरोजपुर के बाहर इनोवा कार पर खड़ा था। उसके दोस्त रवि ने जेल से जमानत मिलने पर बाहर आना था, उसके इंतजार में खड़े थे। उसी समय बाइक सवार तीन लोग आए और उसे जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ गोलियां दागी। एक गोली उसके पेट और दूसरी गोली बाएं पांव में लगी है। ललित ने पुलिस से कहा कि आरोपियों को वो पहचानता है। आरोपी नन्ना सलीम व अजय जोशी वासी फिरोजपुर छावनी है। नन्ना व सलीम के पास पिस्तौल थी जिससे उस पर गोली दागी, जबकि अजय बाइक चला रहा था। थाना सिटी पुलिस ने ललित के बयान पर नन्ना सलीम व अजय के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्या है पूरा मामला और कैसे? वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।